तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेघा सीबी ड्रॉप के बारे में, और इस ड्रॉप के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि मेघा सीबी ड्रॉप किस बीमारी में दिया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका पिलाने का तरीका क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, किस बच्चा को ये मेघा सीबी ड्रॉप हम दे सकते हैं और किस बच्चा को नहीं दे सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं मेघा सीबी ड्रॉप के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि मेघा सीबी ड्रॉप क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि मेघा सीबी ड्रॉप में एमोक्सासिलिन एंड पोटासियम कॉम्ब को मिला करके इस ड्रॉप को तैयार किया गया। इसका कॉम्पोजिशन हो गया एमोक्सासिलिन एंड पोटासियम, ठीक है दोस्तों। और आप ये जान लीजिए कि ये जो मेघा सीबी ड्रॉप है ये एरिस्टो कंपनी का बना हुआ है, यानी कि एक ओरिजिनल दवा है, एक ब्रांडेड दवा है, ये फटाक से काम करेगा। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसका क्या पिलाने का तरीका है, इसका कहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मेघा सीबी ड्रॉप का इस्तेमाल हम ज़्यादातर सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ इन्हीं बीमारी में दिया जाता है। दोस्तों अगर किसी बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी है, जुखाम है, कफ है, खांसी हो रहा है, उसके बाद सूजन है, जैसे कि चोट उट लग गया और सूजन यानी फूल गया है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेघा सीबी ड्रॉप का, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलती है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि किस बच्चा को ये ड्रॉप इस्तेमाल हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये ड्रॉप एक महीना से लेकर के एक साल के बच्चे आराम से यूज कर सकते हैं, और चाहे तो 10 से 15 दिन के बच्चा भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल यानी इसका काम यही है, सर्दी, खांसी, जुकाम, सूजन, कफ, इसी में इस बीमारी में इसको दिया जाता है। और दोस्तों इसका पिलाने का तरीका बता दें हम। दोस्तों जब आप मेघा सीबी ड्रॉप को लेते हैं तो आपको ये दोनों मिलता है, इसके अंदर ये पानी है, पानी इसमें रख देना है, शीशी में, शीशी में रखने के बाद थोड़ा देर तक इसे झमारना है, अच्छी तरह मिला करके दोस्तों तब यूज करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि किस बच्चे को कितना पिलाना चाहिए, यानी इसका डोज पिलाने का तरीका क्या है। तो मैं आपको बता दें तीन महीना से यानी एक महीना से लेकर के तीन महीने के बच्चे को 5 बूंद यानी 0.5 ml सुबह शाम देना है। यहाँ पे एक चूसना है, इसमें आप 0.5 ml लिखा हुआ है उसे दे सकते हैं, यानी एक महीना से लेकर के तीन महीने के बच्चे को 5 बूंद सुबह शाम, तीन महीना से लेकर के 6 महीने के बच्चे को 8 से 10 बूंद सुबह शाम, और 6 महीना से लेकर के 9 महीना के बच्चे को 12 बूंद सुबह शाम, और 9 महीना से लेकर के 12 महीना यानी एक साल तक के बच्चे को 15 बूंद सुबह शाम यानी 1.5 ml। चाहे तो आप 2 ml भी कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के अनुसार आपकी बच्ची की स्थिति कैसा है। तो कैसा लगा जानकारी दोस्तों।